दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे हो। खुदा ने कॉल दिया उसका शुक्रिया अदा। और बबीता ग्रेट में आप लोगों का स्वागत है। मैं बना रही हूँ आज पास्ता, लेकिन वाइट वाला नहीं। मैं टमाटर प्याज थोड़ी सब्जियाँ डाल के वो बना रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको पास्ता जो मैंने उबाल लिया है। टमाटर काट दिए, प्याज भुन रही है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहा है, थोड़ी सब्जियाँ वो भी डालूँगी। और इसमें मैं बना रही हूँ जो मैंने कल छिलके तोरी के छिलके थे ना, उसको काट के रखे थे छिलके, मतलब उसको मैंने कुकर में डाल दिया। चने की दाल डाल दी है और उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, सब चीज़ डाल दिया उबालने के लिए। तो आज के टिक्के बना के आपको दिखाऊंगी बाद में। थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँ। डेजी और बेला का नाश्ता हो गया है, ये तो यहीं बैठ, ये भी किचन की, जब तक मैं तो किचन के पास ही रहती है और डेजी तो उधर है ही। इन लोगों का हो गया नाश्ता। मैं इसका नाश्ता कर रही हूँ, रोटी और दूध। और कैसे कर दिया मुझे, मतलब इसको शांति से अंडा भी खा चुकी है फिर भी। हाँ शांति नहीं तेरे को, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरी दोस्तों गाड़ी साफ़ हो रही है, मैं खुद अंदर से कर रही हूँ। मैंने सोचा अंदर अपनी गाड़ी साफ़ कर लेती हूँ और अच्छे से, वैसे वो कर गया है लेकिन फिर भी मेरे को बहम हूँ ना। बहम का मतलब मेरे को खुद अच्छे, मेरे को किसी का काम पसंद नहीं आता, तो मैं खुद फिर उसको दोबारा करती हूँ अच्छे से। और तो आज तो दोस्तों गाड़ी में टाइम लगा दिया अपनी गाड़ी में। मैं पता नहीं, गाड़ी से बहुत प्यार है मुझे। देखो दोस्तों, प्यार होना, जब तक मेरे पास है तो उसको मैं प्यार करूँगी, उसका केयर करूँगी, ताकि वो मेरे साथ अच्छे से चलेगी, अच्छे से रहेगी। उसकी टाइम टाइम पर सर्विस करवाना, उसका इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए मैं कोई गाड़ी मांगता तो मैं गाड़ी के लिए मना कर देती हूँ, क्योंकि भैया कोई गाड़ी की केयर करता तो उसको देती हूँ, ऐसा नहीं नहीं देती हूँ। तो इसलिए जैसे मेरा बेटा है जॉय है, मैं इनको गाड़ी नहीं देती हूँ। मेरे साथ जाते हैं, मेरे साथ आते हैं, क्योंकि ना ये बिल्कुल गाड़ी का से आठ ऐसे मरोड़ देते कान पूरी तरह से, कि वो भी भैया हमको सर्विस दे दी, अच्छे से चला रही है, बहुत बड़ी बात है, टाइम पर हमें लेके जाती है। तो इस चक्कर में मैं गाड़ी किसी को देती नहीं हूँ, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो दोस्तों, मैं अपनी चीज़ें मैं उसको बहुत प्यार से रखना चाहती हूँ और ज़रूरतमंद को देती हूँ, ऐसा नहीं है, जो इसको अच्छे से केयर करता है। क्योंकि मेरे पास जब वैगन आर थी तो मैंने दी थी किसी को, तो उन लोगों ने दोस्तों मेरी गाड़ी एकदम रेड़ मार दी, क्योंकि पूरी तरह से रेड़ मार दी मेरी गाड़ी की, और मेरी गाड़ी इतनी बेकार हो गई। तो दोस्तों इसलिए मैं अब गाड़ी नहीं देती किसी को भी। हाँ, जो विश्वासी है उसको जरूर देती हूँ, जो मेरी गाड़ी को अच्छे से ध्यान रखेगा उसको जरूर दे देती हूँ मैं। चलो दोस्तों, मिलती हूँ आपको बाद में। कैसे सो रही है देखो, ऐसे कौन सा होता है भाई, पूरी मुंडी उल्टी करके सो रही है। और ये इसका बेड है गाइस, इसमें सो डेजी महिला छुप गई है वहाँ पर टप के नीचे, और बाबा डेजी जा रही है उसको पकड़ने के लिए। जा छुपन छुपाई चल रही है इन दोनों। ये वो टप के नीचे छुपी हुई है। वो आ गई अरे काट लेगी, अरे भी गले ना पकड़ ले, सच्ची में लड़ाते हैं फिर ये गीली हो गई। मैंने दो सौ चिकन बना दिया, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो चिकन बन गया है मेरा, तो ये देखो दोस्तों अब इसके अंदर घुस गई है बिल्ली हमारी, और ये वेट कर दी, इसको पकड़ रही है ये, देखो ना मार नहीं पकड़ के भी, देखो नीचे से देख रही है। ये देखो पैर पकड़ रही है उसका। देख ले बिल्ली ऐसे छिपक जाती है। कल को खुशी का पेपर है तो जाना पड़ेगा, वही शाम हो जाएगी तो मैं भी इसे
खाना पीना बना के रख दूँगी शाम को, ताकि सिर्फ रोटी बनाए आके बाहर नहीं खाना, क्योंकि गर्मी में बाहर भी अवॉइड करना है। तो अपना खाना पीना लेके जाएंगे और लंच वंच, वैसे तो 3 बजे पेपर है लेकिन 12-12:30 तक निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत ट्रैफिक मिलेगा और दूर भी बहुत है। त्रिशाद गार्डन, पता नहीं कहाँ पर त्रिशाद गार्डन, त्रिशाद गार्डन बिल्कुल गाजापुर गाजियाबाद के बॉर्डर पर है दोस्तों, तो वहाँ जाना पड़ेगा हमें। देखो दोस्तों हमें भी जाना था इन लोगों के साथ, लेकिन क्या इन्होंने मेहंदी लगा ली है, देखो एक पैर में भी लगा ली है, और इन्होंने कौन सा माता का मंदिर है, केला माता इन्होंने ही बनवाया है। तो आंटी बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई थी मेरे को कि तुम्हें चाहिए आंटी, चिल्ला के बोलती हूँ कि एक्टिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन मैंने भी छुट्टी करने वाली थी, तो ये लोग सारे जाएंगे ना, तू भी जाएगा ना, तो उनकी पूरी फैमिली के रिश्तेदार सारे जा रहे हैं दोस्तों। और मेरे को भी बहुत मन था जाने का, लेकिन क्या करें कल खुशी का पेपर निकल गया, कल खुशी के 3 पेपर हैं, और फिर अगर मैं कल छुट्टी करूँगी तो मैं परसों छुट्टी नहीं कर सकती मैं दोस्तों, इसलिए मेरे को तो बड़ा दुख लग रहा है, क्योंकि मेरी बहन भी तैयार हो गई थी जाने के लिए कि मैं भी चलूँगी, क्योंकि इन्होंने मंदिर बनाया है तो हमें भी देखना था वो मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बनाया है इन लोगों ने, तो बहुत मन था मेरा जाने का। पूरे लोग जा रहे, कम से कम 100-150 लोग हैं, हाँ इतने ही लोग हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं, बहुत लोग हैं, 200-300 से ऊपर लोग होंगे। तो जब भी आंटी प्रोग्राम बनाती है मैं ही नहीं जा पाती हूँ, और इतने टाइम से मैं प्रोग्राम करके बैठी हुई थी, हाँ मैं चलूँगी, लेकिन कल खुशी का पेपर निकल गया और कल मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, तो मेरा मुश्किल है। चलो फिर कभी अगर बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। चलो दोस्तों अभी तो मैं गीता थोड़ी गप्पे शप्पे लड़ा रही हूँ, थोड़ी बात कर रही हूँ, मिलती हूँ आपको बाद में। कैसे मजे आए कल तक, तो इसके पीछे बहुत झगड़ा हुआ था हमारे घर में, बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ था, और आज से उसका पंगे कर रही है ये कि मुझे काटती है, वो काटती नहीं, वो खेलती है दोस्तों, और ये देखो कैसे कर रही है, झगड़ा कराएगी ये, काट अब नहीं काटना, वो काटती नहीं, वो खेलती ही है। इसको एसी का पता है, एसी जैसे हम एसी चलाते हैं इस कमरे में आ जाती है, हाँ ठंडा करने वाली, और एसी कमरे में सोती है दोस्तों, सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे उस कमरे में आ जाएगी, इसको पता है मैं उठ गई अब मुझे खाने को मिलेगा। चलो दोस्तों खाना पीना खा लिया है हम सब ने, सिर्फ जॉय और नानू रह गए, तो ये लोग बाहर गए हैं कुछ काम से, तो आज कल तो खुशी का पेपर है ही, तो कल से छुट्टी करूँगी, तो जाएंगे इसको लेके हम लोग, और आप लोग प्रे करना ताकि इसका पेपर अच्छा रहे आप लोगों की दुआ से, और इसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए दोस्तों। हमारा तो ये सपना है कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, अपना आगे बढ़ो, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से करें। तो दोस्तों आज मैं देख रही थी ब्लॉग्स पारस और स्नेहा का, तो दोस्तों देखो उन दोनों में झगड़े शुरू हो गए हैं। देखो लव मैरिज होती है ना बहुत कम टिकती भी ऐसे नहीं, जो दिल से प्यार करते हैं वो टिकती है। शुरू शुरू में लव मैरिज में तो हमें हूर की परी लगती हैं, ये मेरी सब कुछ है, मैं इसके लिए सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, ये मेरा सब कुछ है, उसके अंदर कितनी भी कमी हो ना तब भी वो हमें अच्छी लगती है दोस्तों। लेकिन जब एक दिन होता है झगड़ा तो उसकी कमियों को निकाल देते हैं लोग, तू ऐसी थी, अरे यार तुमने प्यार किया है तो ठीक है आराम से छोड़ दो, क्यों एक दूसरे को बदनाम कर रहे हो, एक दूसरे को बेइज्जती कर रहे हो ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, तुम्हारा एक बच्चा है, आज तुम बता रहे हो शादी से पहले हमारा बच्चा हो गया, वो ऐसी है ये वैसी है, जो भी बोल रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसको बदनामी करना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, प्यार तो ये होता है ना, फिर बाद में तुम फिर अपनी फैमिली लाइफ को, मतलब ठीक है सच बोलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अब उसमें बच्चा पिस रहा है। देखो भाई चाहे माँ कितनी भी बुरी हो, मैं भी जानती हूँ, वो शायद हम भी देखते थे उसका ब्लॉग्स पारस का, उसकी दादा बहुत बच्चों को प्यार कर, हर दादा बच्चों को प्यार करते हैं भाई, लेकिन जो माँ के साथ बच्चे का अटैचमेंट होता है ना, चाहे वो माँ बुरी हो चाहे कुछ भी हो, चाहे माँ काम ना करती हो, लेकिन वो बच्चे के साथ बहुत अटैचमेंट होता है बच्चे का माँ के साथ अपनी, तो उसको अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए, छोटा है तो उसको अपनी माँ के साथ रहना चाहिए। पारस भाई, पारस बेटा जो भी बोल रही हूँ मैं, बदनामी मत करो अपनी वाइफ की, वो अच्छी बात नहीं है, चाहे उसके अंदर लाख बुराई हो,
उसकी बीवी के लिए बोल रही भाई मत कर, क्योंकि एक टाइम पे तो उसके लिए पागल हो रही थी, आज उसको उल्टा सीधा बोल रही, वो भी गलत, वो भी सही नहीं है। तो ऐसे मत करो, अपनी लाइफ को अच्छा सा बनाओ और अपने नहीं रहना अलग तो अलग हो जाओ, है ना। आज तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तो तुम्हारे घमंड आ रहा है पैसे को लेके, किसी को भी चीज़ को लेके, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसलिए पैसे को ना कभी भी अपने सर पर मत चढ़ाओ और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। अलग हो ना, आराम से अलग हो जाओ, लेकिन बच्चा उसकी माँ के पास रहना चाहिए। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके इसको किसके पास रहना है वो डिसाइड करेगा उसे। दोनों का पैसे, दोनों का प्यार मिलना चाहिए। अभी कोई उनके बड़े उन्हें समझा नहीं रहे हैं। देखो पारस को भी थोड़ा गुस्से से, थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर। कभी भी औरत को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो औरत ख़राब हो चाहे अच्छी हो, मारने से और ख़राब। क्योंकि हम शादी कर ले तो सोचते ये मेरा हिस्सा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसकी भी अपनी लाइफ है, वो भी अपना, वो क्या चाहती क्या अच्छी लेडी से होगी। मैं ये नहीं कि अच्छी अच्छी नहीं है, वो बुरी है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। उसके भी कुछ अपने सपने होंगे, कुछ भी करना चाहते हो, क्या हुआ मैं नहीं जानती हूँ उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि रियल तो हमें कोई दिखाता नहीं है। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि मत एक दूसरे की बदनामी मत करो। जो उनके बड़े उन्हें समझाएं कि देखो अगर साथ नहीं रह रहे हो तो आराम से अलग हो जाओ, प्यार से अलग हो जाओ, एक दूसरे को गोली मत मारो भैया। गोली मारने से क्या होगा मुझे बताओ, तुम जेल में पड़े नजर आओगे, बदनामी होगी, केस लग जाएंगे, उससे कुछ तो होने वाला नहीं है ना। एक दूसरे को धमकी मत दो, अगर अलग होना तो आराम से, लेकिन बच्चे को उसकी माँ के पास रहना चाहिए। बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि छोटा बच्चा भी हो, उसको अपनी माँ की याद आएगी, माँ के बिना नहीं रह पाएगा बच्चा, तो उसको अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमारे भी किसी की फैमिली में ऐसा हो रहा था तो हमने ये बोला नहीं, साथ रहना है, इकट्ठा ही रहना है, थोड़ी एक दूसरे की बुराई भी बर्दाश्त करो। जब हम साथ रहते तो हमें पता लगता है एक दूसरे की बुराइयाँ कैसे, वो तो इतने साल से एक दूसरे को जान रहे थे, एक दूसरे के साथ भी रहे हैं, तब भी ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़, मैं तो उन दोनों से ये बोलूँगी, ब्लॉग से तो मैं तो ये बोलूँगी ब्लॉग वालों को कि नहीं भैया ऐसे मत करो और अपना आराम से अलग हो जाओ, और लेकिन बच्चे को उसकी माँ को दो। पारस को यही बोल रही हूँ कि बच्चे को उसकी माँ को दो, जाए जाए भैया करके कोई फ़ायदा नहीं है। इतना एक दूसरे को तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, कितना गंदा लग रहा है, वो बहुत ही गंदा लग रहा है। जब तुम शुरू मिलते हो तो हाय मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं इसके बिना मर जाऊंगा, मैं इसके लिए सांस सांस सितारे तोड़ लाऊंगा, ऐसी बातें करते हो। तो भैया नहीं करो ऐसी बातें, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को प्यार करो, अलग आराम से हो जाओ, मत इतना शोर शराबा करो, इतना ड्रामे मत करो, अच्छी बात नहीं है। तो चलो दोस्तों करते, मैंने इतने भाषण तो दे दिया, कोई फ़ायदा नहीं इस भाषण का, जो उन्होंने करना हो तो करेंगे ही, है ना। तो हम करते हैं आप लोगों को गुड नाइट, और सुबह उठेंगे दोस्तों, आप लोग प्रेयर करना, जितने बच्चे सर बच्चों को सबका पेपर, उनको बेस्ट ऑफ लक कहना, और अच्छे से पेपर दे सके वो लोग, है ना, अच्छे से अपना पढ़ाई कर सके और अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए उन लोगों का। चलो दोस्तों करते हैं आपको गुड नाइट, जिंदा तो जरूर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।